previous video we have seen the mosfet structure now we are moving towards the operation of the transistor so for operation of the transistor it is important to have proper voltages at different terminals now let's see what happens when source drain and body is at ground and we are applying a small positive voltage at gate since bulk is p type सो विद इन्फ्लुएंस ऑफ दिस स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज द होल्स फ्रॉम दिस रीजन सोर्स एंड ड्रेन और ये ऑक्साइड के नीचे जो रीजन है सरफेस है इससे हमारा होल्स मूव करके बल्क में चला जाएगा दे विल लीव बिहाइंड इन मोबाइल एक्सेप्टर आइंस अब एक्सेप्टर आइंस तो इन मोबाइल है तो अभी करेंट कंडक्शन के लिए तो कुछ बना ही नहीं यानी कि इस केस में सिर्फ हमारा यहाँ पर डिप्लीशन रीजन बना है दैट इज डिप्लीटेड ऑफ मोबाइल कैरियर्स नाउ वी विल फर्दर इंक्रीज द पॉजिटिव वोल्टेज एट गेट टर्मिनल तो आफ्टर अ सर्टेन पॉजिटिव वोल्टेज जिसे हम थ्रेश वोल्टेज कहेंगे इस वोल्टेज पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हमारे पी टाइप सेमी कंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर्स हैं दे विल गेट अट्रेक्टेड टूवर्ड्स दर्फेस ये बल्क से निकल के अब सरफेस की तरफ जाने लगे हैं एक सर्टेन वोल्टेज पर जब हमारा सरफेस पोटेंशियल माइनस फाइव एफ पी हो जाएगा यानी कि बल्क फर्मी पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे इन्वर्जन लेयर फॉर्म हो जाएगी जिसे चैनल बोलते हैं इन्वर्जन लेयर इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल कैरियर से बनी होती है तो इस चैनल के फॉर्म होते ही हम कहेंगे कि हाँ करंट को कंडक्ट करने के लिए अब एक पाथ बन गया है लेकिन करंट कंडक्शन नहीं स्टार्ट हुआ है वो तब स्टार्ट होगा जब हम सोर्स और ड्रेन पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे अभी सिर्फ रास्ता बना है ये इसकी एनर्जी बैंड डायग्राम है तो इन्वर्जन रीजन फॉर्म होने के लिए हमारा जो सरफेस पोटेंशियल है वो माइनस के बराबर होना चाहिए और जो हमारा मेटल का फर्मी लेवल है वो भी नीचे आ गया है इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दैट व्हाट हैपेंस व्हेन वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस करंट कैसे फ्लो करने वाली है So, उसको स्किप मत करिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ नाइस डे